शमिता और अंकित की शादी को मात्र एक साल हुआ था। शादी से पहले दोनों एक अच्छे और खुश कपल थे, फिर उन्होंने शादी कर ली। शादी से पहले तो बड़े बोलते फिरते थे कि रानी की तरह रखूंगा, लेकिन यहाँ तो रानी कम नौकरानी ज्यादा बन गई हूँ। ऊपर से मुझे टाइम भी नहीं देते हैं, बस काम काम करते रहते हैं। बहू, मेरी दवाई का समय हो गया है, जरा मेरी दवाई मेरे पास तो ला दो। जी माँ जी, अभी लाई। बस मेरा यही काम है, सबका ख्याल रखना, और मुझे कोई पूछता भी नहीं है। शमिता अपनी सास के पास जाती है। लीजिए माँ जी आपकी दवाई। तभी शमिता के रूम से फोन बजने की आवाज आती है। माँ जी आप दवाई खाइए, मैं आती हूँ, किसका फोन आया है देखकर। हाँ हेलो, क्या हुआ बताओ, अब मैं क्या सेवा कर सकती हूँ तुम्हारी, कहो। तुम एनी टाइम भड़की क्यों होती हो, कभी तो प्यार से बात किया करो। हाँ हाँ, अब तुम्हें मुझसे मीठी वाड़ी चाहिए, मीठी वाड़ी जैसा काम भी तो करो, तब न मैं तुमसे प्यार से बात करूँ। हाँ बड़े आए, प्यार से बात करो, अब क्या काम है जल्दी बताओ। मेरे बड़े भैया आ रहे हैं बेंगलोर से, अब वो यही रहेंगे हमारे साथ, तो उनके लिए भी खाना बना देना, ठीक है, अब मैं रखता हूँ। और अंकित फोन काट देता है। पहले मुझे दो लोग पागल बनाते थे, लेकिन अब तीसरा भी आ गया, कोई बात नहीं, सहना तो पड़ेगा। और वह हॉल की ओर चली जाती है। किसका फोन था बेटा? माँ जी, जेठ जी आ रहे हैं बेंगलोर से, और अब वो हमारे साथ ही रहेंगे। क्या, तुमने क्या खबर सुनाई है बेटा? मेरा सपना था कि मेरे दोनों बेटे एक साथ एक ही घर में मिलजुल कर रहे, अब वो सपना मेरा पूरा हो जाएगा, पता नहीं कब मैं भगवान के घर चली जाऊं। माँ जी आप ऐसे भगवान के घर की बात मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, हमारे घर में आप ही तो हमारी माँ हो, आपको कुछ हो जाएगा तो हम कैसे रह पाएंगे। और वह मालती के गले लग जाती है। भले ही शमिता थोड़ी परिवार से परेशान रहती थी, लेकिन उतना ही उन लोगों से प्यार भी करती थी। तभी दरवाजे की बेल बजती है। मैं देखती हूँ कौन है। शमिता दरवाजा खोलने जाती है। जब वह दरवाजा खोलती है तो उसका जेठ अमन सामने खड़ा रहता है। जेठ जी आप भी गए, आइए आइए, आपके बारे में ही बात कर रहे थे। अमन को देखकर मालती बहुत खुश होती है। बेटा आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं माँ, मैं एकदम आराम से आया हूँ। आपकी तबीयत कैसी है अब? तुझे देखकर बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब बाहर पढ़ाई करने मत जाना बिल्कुल भी, जो करना है यही करना मेरे साथ, मेरे पास, ठीक है? हाँ माँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आप चिंता मत करिए, अब मैं अपने कमरे में जाता हूँ फ्रेश होने। और वह अपने कमरे में चला जाता है। जेठ जी खाना रेडी हो गया है, चलिए खाना खा लीजिए, फिर आराम कर लेना। हाँ ठीक है, चलो। वैसे खाने में क्या बनाया है तुमने? आप खुद चल कर देखिए और बताइए कि खाना कैसा बना है। ठीक है, तो फिर चलो चलते हैं। दोनों खाना खाने चले जाते हैं। खाना खाने के बाद अमन, वाह शमिता, क्या दाल बनाई थी और रायते की सब्जी, तो मजा ही आ गया, मेरा तो हो गया, अब मैं चलता हूँ। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ ही समय में शाम हो जाती है और अंकित भी ऑफिस से आ जाता है। आ गए तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। शमिता अंकित के लिए चाय बनाकर लाती है। शमिता के आते तक अंकित सो जाए रहता है। लगता है आज कुछ ज्यादा ही काम था, कोई बात नहीं सोने देती हूँ, जब उठेंगे तब बात कर लूंगी। शमिता रात की खाने की तैयारी करने चली जाती है और देखते ही देखते रात हो जाती है। सब लोग खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आज ज्यादा काम था क्या, शाम को तुम तुरंत सो गए? काम की तो पूछो ही मत, काम थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है इसलिए थक जाता हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी में खूनहार लड़की आई है जो तुम्हारी असिस्टेंट है, क्या ये सच है? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? बस चल गया पता समझो। उसका नाम सुहाना है और वो बहुत इंटेलिजेंट है, मैं जो भी काम उसको देता हूँ वो फट से करके दे देती है। मुझे आज तो काफी सारा काम था, उसी ने संभाला है, तो मैं घर आया, वरना अभी तक तो मैं ऑफिस में ही रहता। चलो अब मैं सोता हूँ, नींद आ रही है, कल जल्दी जाना है ऑफिस। और वह सो जाता है। शमिता को बहुत बुरा लगता है कि उसका पति किसी और के बारे में इतना सारा बात कर लिया, लेकिन उससे तो बात किया ही नहीं और सो गया। शमिता अपने गार्डन में टहलने आ जाती है, तभी उसे वहाँ अमन दिखता है।
अरे अमन जी, आप अभी तक सोए नहीं हैं? नहीं, नींद नहीं आ रही थी। अब तुम आ गई हो तो आओ बैठते हैं। दोनों बातचीत करने लगते हैं। वैसे तुम और अंकित कहीं बाहर नहीं जाते क्या घूमने? अभी तो उनको टाइम ही नहीं मिल पाता है काम से। दिन भर तो वो ऑफिस में ही रहते हैं, फिर शाम को घर आते हैं, खाना खाकर सो जाते हैं। अच्छा ये बात है, अभी बिजी चल रहा है। कोई बात नहीं, वास्तव में वो वैसा नहीं है। जब वो तुम्हें टाइम ना दे पाए तो तुम दिल से मत लेना और उसकी सिचुएशन को समझना। नहीं, अगर मैं दिल से लेने लग जाऊँ तो हम दोनों साथ रह ही नहीं पाएंगे। मुझे भी पता है उसका सिचुएशन। चलो ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, नींद आ रही है। अमन सोने चला जाता है। अमन जी वैसे अंकित से बहुत अलग है, अक्ल और शक्ल दोनों से, और वह भी जाकर सो जाती है। कुछ ही समय में सुबह हो जाती है। शमिता तुलसी माता का पूजा करती रहती है और पूजा करके कमरे की तरफ चली जाती है। तभी उसे अमन मिलता है। शमिता, क्या आज रात तुम फ्री हो? क्यों जेठ जी, कुछ काम है क्या? तुम पार्टी वार्टी करती हो कि नहीं? हाँ करती हूँ ना, कैसे कहीं पार्टी में ले जाना चाहते हो क्या आप? नहीं, कहीं ले जाना तो नहीं है, लेकिन क्या तुम आज रात मेरे साथ पार्टी करना चाहोगी? हाँ क्यों नहीं, जरूर। ठीक है, तो फिर नाइट में मिलते हैं, अभी मैं चलता हूँ। आखिर जेठ जी मेरे साथ पार्टी क्यों करना चाहते हैं? वो चाहते तो अपने भाई के साथ पार्टी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा, मतलब मेरे में कुछ तो बात है। वह नाइट के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहती है। कुछ ही समय में दोपहर को शमिता खाना खाकर अपने कमरे में लेटी रहती है, तभी उसका फोन बजता है। हेलो, कौन? पहचानिए कि कौन बोल रहा हूँ। शमिता तभी मन में सोचने लगती है, कौन हो सकते हैं, आवाज तो जाना पहचाना सा लग रहा है। कहाँ खो गई हो शमिता जी, तो आज आप आज नाइट पार्टी में वाइन लेना चाहोगी कि विस्की? अच्छा जेठ जी, आप बोल रहे हैं, मुझे लगा ही था कि आप हैं, क्योंकि आवाज भी जाना पहचाना सा लगा। तो बताओ आज तुम क्या लेना चाहोगी, वाइन या विस्की? आप जो भी ले आओ मैं पी लूंगी, मुझे सब चलता है। दोनों जेठ बहू दोपहर भर प्यार भरी बातें करते हैं। शमिता अमन के साथ बहुत कंफर्टेबल और खुश रहती है। जितना वह अंकित के साथ खुश नहीं रहती, उतना अमन के साथ रहती है। कुछ ही समय में शाम हो जाती है। शमिता शाम को पूजा करती है, फिर खाना बनाकर अपने जेठ को फोन करती है। जेठ जी, मैं आपको एक बात तो बताना ही भूल गई। क्या बात है, बताओ। मैं रात को कैसे आऊंगी, अंकित रहेंगे तो? अरे मैंने तो ये बात सोचा ही नहीं था। एक मिनट रुकिए, अंकित का कॉल आ रहा है। हाँ अंकित, बोलो। शमिता, आज मैं घर नहीं आऊंगा, आज मेरी ऑफिस पार्टी है, तो तुम खाना खा लेना और अच्छे से सो जाना। ठीक है, तुम भी अच्छे से खाना खा लेना और सुबह घर जल्दी आ जाना। शमिता ऊपर ऊपर से अंकित को प्यार दिखाती है और मन ही मन खुश होते रहती है, क्योंकि उसका नाइट पार्टी था अमन के साथ। मैं रखती हूँ तो फोन, तुम अपना ख्याल रखना। और तुरंत अमन को कॉल करती है। हेलो अमन जी, एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है, जल्दी मुझे भी बताओ। आज अंकित घर नहीं आ रहे हैं, तो हम फुल नाइट पार्टी कर सकते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। शमिता, एक बात कहनी थी तुमसे। हाँ कहिए ना, क्या बात है? तुम्हारे पास वेस्टर्न ड्रेस है क्या? हाँ एक है मेरे पास, क्यों लेगी? आप क्यों पूछ रहे हैं अमन? क्योंकि तुम्हें वही ड्रेस नाइट पार्टी में पहन कर आना है। जैसा आप चाहें जेठ जी, मैं उसी ड्रेस में आऊंगी। रात हो जाती है और शमिता स्कर्ट पहनकर अमन के कमरे में जाती है। दोनों पार्टी करते हैं, एक साथ डांस करते हैं और वाइन भी पीते हैं। दोनों को नशा हो जाता है और दोनों होश में ना रहकर सारी हदें पार कर जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, अंकित ऑफिस से आ जाता है। वह कमरे में जाता है तो शमिता वहाँ नहीं रहती है। तभी वह अपनी माँ के पास जाता है। माँ, शमिता कहाँ है, कमरे में नहीं है। मुझे तो नहीं पता बेटा, मुझे भी आज सुबह उसने चाय नहीं दिया है। बेटा ये दारू की बदबू आ रही है क्या तुम्हें? हाँ माँ, शायद भैया के रूम से आ रही है, चलिए चलकर देखते हैं। दोनों जब अमन के कमरे में जाते हैं तो वो नजारे देखकर पागल हो जाते हैं। अमन और शमिता बाहों में बाहें डालकर सोए रहते हैं। अंकित को बहुत गुस्सा आता है। शमिता तुम ये सब क्या कर रही हो? शमिता झट से उठ जाती है। अंकित तुम आ गए? हाँ मैं तो आ गया, लेकिन तुम यहाँ भैया के साथ इस तरह के कपड़े में क्या कर रही हो? अंकित मैं तुम्हें सब समझाऊंगी, तुम पहले चलो यहाँ से, हम अपने कमरे में बात करेंगे। नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त जानना है। और भैया
आप इसीलिए आप यहाँ आए हो मेरी शादी बर्बाद करने? और बहुत बहस होता है। अंकित अमन और संगीता को घर से निकाल देता है। दोनों फिर दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर पार्टनर बिजी है तो जरूरी नहीं कि वो हमें भूल गया हो। उसकी भी मजबूरी को समझना चाहिए, ना कि दूसरे के पास चले जाना चाहिए।